आइए, स्वागत है आपका पार्ट सेकंड में। यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसको तभी समझ पाएंगे जब आप पहला पार्ट देखेंगे। क्योंकि पहले पार्ट में हमने कोशिश की है कि क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक आ रहे थे स्टूडेंट्स के, वो ये था कि उस सिलेबस को उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी कि इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है, पढ़ना क्या है, और हम नोट्स कलेक्ट जो कर रहे हैं या खोज रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जरूरी ये था कि आप उसको पहले समझें अपने भाषा में, क्योंकि वहां पे टर्म्स जो है ना वाकई कठिन है, लेकिन आपको मैंने कोशिश की कि आपके भाषा में समझाने की, ताकि आप उसका समझें और उसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो उसको देख लीजिएगा, और उसको देखने के बाद आइए हम सीधा सीधा आपको लेके चलते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझते हैं तो मुझे लगता है कि आप 70% जो है आंसर्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो कठिन होता है वो 2 नंबर के क्वेश्चन होता है कि कुछ भी उठा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपने पिछले 3-4 साल के जो सवाल हैं जो पूछे गए मैं आपको बता दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि इतिहास के तत्व किसी भी इतिहास के लिए अब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक बनाए नहीं जाते। देखिए, हमने बताया ना कार्ल एल बेकर। अब इसको याद कैसे रखना है, तत्व बनाए जाते हैं और बेकरी मतलब बनाना होता है, तो बेकर ने क्या क्या कहा है कि भाई तत्व बनाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसका अर्थ क्या कहा है कि क्लियोपेट्रा की नाक। भाई क्लियोपेट्रा एक बहुत ही सुंदर इमेज है, एक फिगर है, आप यूट्यूब पे या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, है ना, और वो उसकी नाक से क्यों यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 संदर्भ में इसका इस्तेमाल हुआ है कि इसका जो संदर्भ है कि काउजेशन, है ना, कार्यकारण की बात हो रही है, काउजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये इस कारण ही कहा है कि चांसेस के लिए इस्तेमाल किया है, कि ऐसे ही नहीं कोई भी घटना घट जाती है, जैसे उसका नाक ऐसे ही नहीं सुंदर बन गया अचानक अपने से हो गया, है ना, संयोग बस ही नहीं, बल्कि उसके पीछे एक कार्य कारण लिप्त होता है, एक कारण उसके लिए उस घटना के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे वो क्या किया, कॉजेशन के लिए इस्तेमाल किया, किसने, ईएच कार्ल ने। तो ये हो गया, आगे आ जाइए। अगला आपका सवाल है कि इतिहास का इतिहास पुस्तक किसने लिखा। देखिए भैया, इतिहास बच्चे क्या है ना, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूछते रहते हैं ना। वैसे ही एक गोल्डन चाइल्ड है, यानी चाइल्ड ही समझ लीजिए, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि भैया ये सिविलाइजेशंस यानी अर्बन सिविलाइजेशंस की, प्री हिस्टोरिकल अर्बन सिविलाइजेशंस के बारे में काफी अच्छा रिसर्च किया है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इतिहास का इतिहास। तो चाइल्ड से याद रखिएगा कि चाइल्ड, बच्चे अक्सर पूछते हैं चाइल्ड कि भाई इसमें क्या है, तो इतिहास का इतिहास क्या है या इतिहास में क्या है, इन्होंने लिखी है पुस्तक। आगे अगर हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम किसने पुरातात्विक खुदाई प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ये देखिए, 1861 के आसपास एक अलेक्जेंडर कनिंगम आए थे, है ना, उनको कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआती दौर में काफी सिस्टमेटिक जो है खोज के लिए काम किया, इसलिए इनको हम इनिशिएटिव भी कह सकते हैं या जनक भी कह देते हैं, है ना। बाद में यहीं से एक चीज और बताते चले, फैक्ट कि कर्जन के समय में 1902 में एक एक्ट आता है जिसमें क्या है कि जो पुरातात्विक या जो स्मारक अधिनियम एक्ट आता है कि उसमें जितने भी स्मारक उनको संरक्षित करने का आता है, तो वो अलग डिपार्टमेंट के रूप में 1902 में बनता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो कनिंघम के समय में हुई है, क्योंकि यही वो डायरेक्टर बना था। सर्वप्रथम किसने किस पुस्तक में इतिहास काल निर्धारण को ईसा पूर्व में, इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, मैं ये कहूंगा कि भाई आपको क्लास के कॉन्टेक्स्ट में है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया और किस संदर्भ में पढ़ाया गया, क्योंकि इसका सीधा सीधा अगर आप टर्म पूछेंगे तो एडी और जो है ना कि भाई जीरो जीरो से पहले जो है बीसी माने जाएंगे और इसके बाद एडी माने जाएंगे, इसका एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कई ऐसे स्कॉलर आए जो लिखो और उसके बाद ये माना गया। तो सीधा सीधा पूछा कि किस पुस्तक में, तो जो एक है कि डायनोसियस एक्सग्यूस है, इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया, और उसके बाद एक बेदे नाम के आते हैं स्कॉलर विद्वान जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब किसको आपका सही आंसर मानता है तो ये डिपेंड करता है कि आप क्लास में क्या डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये देखिए आपके जो सवाल है मुख्य रूप से, व्हाट इज काउजेशन, एक्सप्लेन इट्स इन्फ्लुएंस इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। देखिए काउजेशन क्या है, कार्य कारण का सिद्धांत, है ना, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी कारण, है ना, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं घटित होती, खास करके हमारे अगर भारतीय सोच में देखा जाए तो हम पूर्व जन्म वाली भी बात होते हैं कि आज अगर हमें कुछ अच्छा हो रहा है तो हम ये नहीं मानते कि ऐसे ही अच्छा हो रहा है संयोग से या भाग्य से, हम कहते हैं कि प्रारब्ध भी जो बनता है, भाग भी बनता है, वो पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं रही होंगी, कर्म रहे होंगे, यानी कोई भी ऐसा घटना या कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो बिना कारण के नहीं होता, तो ये मानते हैं। तो इतिहास के इसमें 2 पक्ष हैं, एक मानते हैं एक मानते नहीं हैं, उसमें आपको ये कैसे इतिहास को प्रभावित करता है तो आपको पता है कि देखिए कोई भी, अभी यहाँ पे एक फिगर बनाया गया था कि देखिए अगर इसमें पानी भरते जा रहे हैं
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद अगर हम पानी भरेंगे तो ये एक बूंद ही जो है वो कारण बन जाएगी उस पानी को नीचे गिरने के लिए। इससे पहले जो पानी भर रहा था वो परिवर्तन नहीं ला रहा था, लेकिन ये जो इसके भरने के बाद जो पानी हमने डाला और परिवर्तन लाया उसी को मुख्य कारण या तत्कालिक कारण बोलते हैं, और इनको हम फिर परिस्थिति बोल देते हैं। तो परिस्थिति और कारण को समझना है और कार्य कारण को आपको बताना है कि कैसे इतिहास को प्रभावित करता है। ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन हिस्ट्री, व्हाई डज द हिस्टोरियन एम्फसिस एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। देखिए अभी मैंने कहा था कि इसके दो पक्ष हैं इसमें भी, क्या वस्तुनिष्ठता हो सकती है, तो हाँ एक सीमित स्तर तक हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, इसमें आपको आंसर लिखते समय यही लिखना है कि हाँ में भी लिखना है और ना में भी लिखना है, क्योंकि हाँ तब हो सकता है जब हम वस्तुनिष्ठ हैं, फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट करें, इंटरप्रिटेशन का कोई रोल नहीं रख रहे हैं, है ना, प्रेजडिस फ्री है, बायस फ्री है, तो ये वस्तुनिष्ठ हो सकता है। लेकिन क्या चुनौतियां हैं यानी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो हम इसमें देखते हैं पूर्वाग्रह है, तथ्यों का चुनाव है, है ना, और कोई भी इतिहासकार जो अपने परिवेश से अछूता नहीं रहता है वो कुछ ना कुछ प्रभावित होगा, कोई भी राष्ट्र से अछूता नहीं रहता है, है ना। अगर मुझे अपने देश के बारे में लिखना हो और कुछ ऐसी देश की कमियां हो तो थोड़ा तो हम चाहेंगे ही ना, यानी प्रभावित हो ही जाते हैं जाने अनजाने में भी, तो ये एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये चुनौती बन जाती है। तो आपको यही लिखना है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तो कोई भी इतिहास की घटना को या पुस्तक लेखक को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें मुझे जहां तक दिख रहा है कि इतिहास एवं मनोविज्ञान के अंतर संबंध को, भैया देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि मनोविज्ञान वाले जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी आइडिया जो हो रही है मन की स्थिति, और मन की स्थिति में जो उत्पन्न हो रही विचार और व्यवहार हो रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और उसी के लिए विचार विचारधारा बन रही है और इतिहास की घटनाओं को क्या कर रही है, एक प्रभावित कर दे रही है बड़े स्तर पर। तो उसका जो घटनाएं हो रही है ना बड़े स्तर पर, वो एक व्यक्ति में देखना होता है, और व्यक्ति में भी उस व्यक्ति के विचार, और उस विचार के लिए भी देखना होगा कि कौन कौन सी परिस्थितियां काम कर रही थी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी। तो इसमें आपको यह आंसर लिखना है कि हाँ बिल्कुल, एक मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा जो है संबंध है, और खास करके जब कोई भी जैसे हिटलर क्यों बना, आजकल इस पे पुस्तक लिखे जा रहे हैं, इस पे एनालाइजेशन हो रहा है कि हिटलर क्यों बना, आखिर उसके बचपन में उसके फिर जीवन में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो उसको फासिज्म यानी तानाशाही के रूप में एक या टोटलिटेरियन शासक बनने में मजबूर किया। तो ये सारी चीजें इसमें आप एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि यद्यपि इतिहास बदलता रहता है लेकिन इसके स्वरूप एवं क्षेत्र को परिभाषित का संभव है एक तर्कपूर्ण उत्तर देगी। देखिए इतिहास बदलता रहता है, देखिए बदलता तो रहता है, क्यों, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो अभी हम कहते थे कि हमारा प्राचीन इतिहास कहां से शुरू होता है, तो जब तक तथ्य नहीं मिले थे सिंधु सभ्यता के तब तक हम मानते थे कि हमारी सभ्यता कहाँ से शुरू होती है, वैदिक सभ्यता से। लेकिन जैसे ही 1921 में राखालदास बनर्जी और उनको मिल गया, तो क्या हुआ दयाराम साहनी को, तो उनको मिलने के बाद हमारा इतिहास पीछे चला गया और पता चला कि भाई क्या है, हमारे यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी था। तो यह है कि इतिहास बदलता रहता है, जैसे जैसे तथ्य और नए नए फाइंडिंग्स आएंगे इतिहास के जो कहानियां हैं बदलता रहेगा, लेकिन उसके जो स्वरूप है कुछ ना कुछ तो तथ्य पहले से भी होंगे ना, तो वो नहीं बदलेगा, पूरी तरह से नहीं बदलेगा। भाई अब ये पता है कि भारत है, भारत प्राचीन है तो है, ये पता है कि भारत है, लेकिन भारत जो है उसकी कुछ चीजें क्षेत्र जो है नहीं बदलेगी, कि भारत का ये एरिया है भाई हिंदू कुश से नीचे, हिंदू महासागर से लेकर और इधर जो है, ये भारत है तो है। अब ऐसा थोड़ी है कि भारत जाकर जापान में आ जाएगा, इसका क्षेत्र जापान में भी मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो है सीमित है और कुछ चीजें जो है उसी के अंतर्निहित बदलती रहेंगी, तो आपको यही समझाते हुए लिखना है उसका उत्तर। आगे अगर हम बात करें कि इतिहास के निर्माण में व्यक्तित्व का हम समाज की भूमिका पर चर्चा कीजिए, अभी इस पे हम लोग बड़े अच्छे से डिस्कस किया है पिछले वीडियोज में कि देखिए इतिहास का जो निर्माण होता है उसके लिए तीन पक्ष है। हम तो कहेंगे कि भैया तीन पक्ष है कौन कौन, एक जो व्यक्ति पे इंपॉर्टेंस देता है, एक जो है समाज पे इंपॉर्टेंस देता है, और एक ऐसा जो है तीनों को देता है, यानी दोनों को मान करके वो बीच में आता है, मध्य मार्ग अपनाता है। यानी जो व्यक्ति को मानता है वो कहता है कि नहीं भैया, जिन्होंने कार्लेल ने जो थ्योरी दी ना कि हिस्ट्री इज द नथिंग, इट इज द स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, तो कहने का मतलब कि व्यक्ति को मुख्य मानता है, एक जो पक्ष है वो मानता है कि इतिहास जो है व्यक्ति इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, जबकि दूसरा जैसे मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म मुख्य है इसमें, जो कहता है कि नहीं व्यक्ति नहीं बल्कि समाज उस समय की जो परिस्थिति है वो मुख्य होता है, वो निर्धारित करती है घटनाओं को। और एक कहता है कि भैया देखिए, तीसरा जो कहता है वो दोनों को लेकर चलता है, कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो नहीं है जो समाज से प्रभावित नहीं होता, और कोई ऐसा समाज नहीं है जो व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि समाज किससे बना होता है, व्यक्ति से ही बना होता है ना, तो ये बात है। तो
इन तीनों को आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा। जैसे इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, है ना, इसमें आपने कार्लिल का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं। और ये दोनों में ईएच कार, जो बीच वाले ना, ईएच कार जो है ना बीच वाले हैं, आप इनको कैसा मानेंगे कि ऐसे हिस्टोरियन है जो बीच बीच वाला बात करते हैं, जब फैक्ट और इंटरप्रिटेशन की भी जो लड़ाई होगी ना तो उसमें बीच में आ जाते हैं, तो इस तरह से बीच वाले हैं। ये कहते हैं कि भैया समाज और व्यक्ति और समाज दोनों का उद्देश्य, दोनों का भूमिका है। आगे अगर आ जाते हैं तो इसमें देखिए आपका सबसे पहला जो है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, और यदि हाँ तो किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए ये आपके ऊपर है, ये ओपिनियन वाला पूछ रहा है, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं। और आपको पता है कि इतिहास जो अभी तक भारतीय इतिहास लिखा गया है वो क्या हुआ है, पहले सबसे पहले यहाँ पे साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने लिखा, और साम्राज्यवादी इतिहासकारों की प्रतिक्रिया में जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा, और राष्ट्रवादी के बाद जो एक मार्क्सवादी इतिहासकार जो आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर सबाल्टर्न वाले भी आए कि भैया जो आप राष्ट्रवादी जो हैं आप जो लिख रहे हो, तो सबाल्टर्न वाले कह रहे हैं कि जो समाज के जो और भी जो थे, आप राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं, मुख्य मुख्य लोगों को, व्यक्ति को, लोगों को, उनके योगदान को लिख रहे हैं, तो सबाल्टर्न जो है कह रहे हैं कि नहीं नीचे, है ना, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात कर रहे हैं कि समाज में जो नीचे हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही है उनकी बात हो रही है। बाद में फेमिनिज्म आता है, तो ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण उभर के आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, इस पे आपका अपना ओपिनियन है कि आप क्या मानते हैं, है ना। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार कह सकते हैं, अगर आप हाँ भी कहते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमारा भारत का इतिहास है वो ज्यादातर साम्राज्य के परस्पेक्टिव से, यानी साम्राज्य जो इंपीरियल हिस्टोरियन से, उन्हीं के दृष्टिकोण से लिखी गई है, तो हमें नेशनलिस्ट धारा से या फिर और भी जो है हमें सबाल्टर्न परस्पेक्टिव को और इंक्लूड करके लिखना चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आपके अपने ऊपर तर्क देना है। उसके बाद है कि भैया देखिए बायस की बात हो रही है, न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, विद एन एग्जाम्पल इतिहास में पूर्वाग्रह और तटस्थता और विषयनिष्ठता, तो इस पर हमने बात कर चुके हैं कि भाई देखिए आप जब भी तटस्थता की बात करेंगे कि पूर्वाग्रह क्या है, तो वो कोई भी चीज जो प्रभावित करती है सत्य को, जैसा हू बहू जैसा है वैसा लिखने में बाधा करती है, उसी को हम बायस कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि तटस्थ रहना, चाहे वो घटना मूल्य से क्या है, कभी कभी होता है समाज की संस्कृति और मूल्य होती है, तो मूल्य से हमको निरपेक्ष रहना है, जो है हू बहू वैसे लिखना होता है, तो कितना हम तटस्थ रहते हैं ये भी देखना होता है, तो इन सबका क्या है आपको एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ ये आखिर है क्या। नेक्स्ट अगर देखें कि क्या है ऐतिहासिक शोध में, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ऐतिहासिक शोध में कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन की बात, अवधारणा एवं उसके विविध आयामों की बात है, तो ये यहाँ पे मूल्यांकन कीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पे कि क्या है, ये पुनर्निर्माण है या कुछ ऐसा है, दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है कि इतिहास दर्शन को अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, और इसको हम लोग क्या है, इतिहास दर्शन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो भाई अभी ये बात हो रही थी, कौन थे ये थे आपके अर्नाल्ड थे, और उसके बाद हीगेल थे, ये सब जो हैं इतिहास के दर्शन दिए हैं, वोल्टेयर सबसे पहले वोल्टेयर ने दिया है, और वोल्टेयर ने एक जो है, और वोल्टेयर के बाद जो है हीगेल हैं, तीन लोगों ने एक दर्शन दिया है, इतिहास का दर्शन दिया है, तो ये एक लंबा सवाल है, इसको अगर आपने पढ़ा होगा समझा होगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें यही लिखना है कि भाई इतिहास के जो दर्शन है उसमें जो वस्तुनिष्ठता है, जो आपने सेकेंड यूनिट ऑफ योर सिलेबस जो है ना वो उसी के बारे में अलग अलग चीजें हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। वोल्टेयर और हीगेल के जो दर्शन है, सबसे पहले हीगेल ने दिया, वोल्टेयर ने दिया था, बाद में हीगेल ने फिर एक दर्शन दिया, उसका लेक्चर ही है, लेक्चर ऑन हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री करके। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, आगे अगर हम बात करें तो आपसे एक सवाल पूछा हुआ है दो नंबर का कि सीजर एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। देखिए जब बात राके जब लोग थे, जब बात हो रही थी कि इतिहास एक साइंस है, है ना, तो जे बी वरी कहते हैं, उनका एक फेमस कोट है कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नॉट मोर और नॉट लेस, नाइदर मोर नॉट लेस, यानी वो ना ज्यादा है ना कम है। उसी में राके कहते हैं कि भाई वस्तुनिष्ठ होना चाहिए साइंस को, है ना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्ट्स को उठा के रख देना चाहिए, हिस्टोरियन का इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, सीजर एंड पेस्ट, सीजर मतलब कैंची, पेस्ट मतलब काटो वहां से तथ्य को और उठा के पेस्ट कर दो, यही काम है इतिहासकार का। लेकिन इसका विरोध किसने किया, कॉलिंगवुड ने किया, कहा भैया इन्हीं का स्टेटमेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है, ये कहते हैं कि फैक्ट आर नथिंग, इंटरप्रिटेशन इज एवरीथिंग, यानी कि तथ्य रख देने से क्या पता चल जाएगा,
अगर हम कह देते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, अब क्रांति हुई कि सिपाही विद्रोह हुआ, कैसे पता चलेगा? इतिहासकार का है इंपॉर्टेंस है होता है कि वो बताए आम जनमानस को कि 1857 में क्या हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, कौन समझाएगा? तो इतिहासकार समझाएगा। तो इसको आप अपने एग्जांपल से अपने समझ से लिख सकते हैं। दूसरे देखिए, आपसे पूछा हुआ है कि केला इतिहास से संबंधित दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक देखिए इमैनुअल कांत है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी क्रिटिक ऑफ जजमेंट, है ना, यानी कि जो कला इतिहास है, कला इतिहास का मतलब कि जो कला है, कलात्मक चीजें हैं उनको ऊपर जो है, तो पहले एक संस्कृति और जो धार्मिक पर्सपेक्टिव से बंधा हुआ था उसको बियॉन्ड, उसके आगे जाते हुए कलाओं का इतिहास लिखना, कला के बारे में एक निरपेक्ष होकर के, वस्तुनिष्ठ होकर लिखना और दिखाने की बात हुई। तो पहला तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो न्याय था, जजमेंट की बात हुई, उसको क्रिटिक करते हैं कौन, कांत, यानी क्रिटिक कांत, कांत जो है तोड़ते हैं उस चीज को। और बाद में कार्ल सेहनेज करके एक पुस्तक लिखते हैं नीदरलैंडिसे, जिसमें वो अच्छी जो है जितनी भी बातें हो रही है उस समय जो आर्ट है, खास करके जो हो रही है, जो डिजाइनिंग है, जो पिक्चर्स हैं, वो सब उसके बारे में किताब लिख रहे होते हैं। तो ये दो आपके रचनाएं हैं जो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका जो है कि लॉन्ग ड्यूरे अथवा दीर्घकाल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए फर्नांड ब्रॉडेल है, इन्होंने ही दिया। ये लॉन्ग ड्यूरेशन, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कहते हैं कि हमें इतिहास में उन संरचनाओं और घटनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो दूरगामी परिणाम देते हैं, दूर में जाके परिणाम देते हैं। जैसे कई बार होता है नहीं कि कुछ घटनाएं, जैसे हमारे भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि 1937 के चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग की हार हुई, उतनी संतोषजनक रिजल्ट नहीं आई, तो वो कांग्रेस के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन वहां जवाहरलाल नेहरू का कहा जाता है कि वो लगा कि भाई अब तो हम जीत चुके हैं, ये हारे हुए हैं, तो हम इनको क्यों ले। तो वहां पे जो मन मुटाव हुआ वो आगे चल के दो देश के रूप में भारत को तोड़ दिया, ये मानी जाती है। या मुस्लिम लीग की स्थापना, या फिर हम 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के उस बात को मान लेना, और उस बात को कि हम आप एक सेपरेट इलेक्टोरल की बात को मान लेना, ये देश के, दो देश के जो सिद्धांत था वो आगे चल के परिणाम के तौर पे उभरी। तो ये सारी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं और एक दूरगामी परिणाम देती है, बड़े स्तर पे जाके परिणाम देती है, तो उसी का कॉन्सेप्ट है। और नाम आपको लिखना फर्नांड ब्रॉडेल के। आगे अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक अवसंभाविता की बात, इस पे देखिए हम लोग बात किए थे कि भाई कोई अगर राज्य जो है, कोई साम्राज्य है, उत्कर्ष किया है तो वो पतन भी होगा, ये अवसंभावी ही है, है ना। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स क्या है, इसके स्पेंगलर और कार्ल मार्क्स जो सबके के इसको सपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होगा, अगर आज एक बार कैपिटलिज्म आया है, जैसे उन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिया ना चार प्रकार के, पांच प्रकार के अलग अलग, आदिम समाज, फिर हो गया कि दास समाज, फिर हो गया कि कृषि और मजदूर वाली बात हो गई, फिर कैपिटलिज्म वाली बात होगी, तो परिवर्तन होगा। और उसने कहा कि ये ऐसे हो सकता है आगे चलकर कि ये जो है उसका पतन हो सकता है, उसका परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो अवसंभाविता का है उसी का कॉन्सेप्ट है। तो दो लोगों का नाम जो है कार्ल मार्क्स है और दूसरा जो है सर ईसाई बर्लिन है। बर्लिन ने भी अवसंभाविता पे एक पुस्तक लिखी है, बर्नियर की भी है, आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सीक्लोग्राफी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये सील की अध्ययन के बारे में बात हो रही है, यहाँ साफ साफ लिखा है, मुहर अध्ययन से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप लिख लेंगे। आगे बात करते हैं इतिहास और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर संबंध की चर्चा कीजिए। तो देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे इतिहास में, जब हम बात करते हैं तो इतिहास क्या करता है, मानवीय समाज की बात करता है। अब मानव समाज जो है, मानवीय समाज जो है, उसके पांच जो पहलू हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं और राजनीतिक घटनाओं और परिवर्तनों को प्रभावित करता है। जैसे सबसे पहले हम उसकी बात करें तो सामाजिक एस्पेक्ट, यानी सोशल एस्पेक्ट, दूसरी बात करते हैं तो राजनीतिक, है ना, तीसरी बात करते हैं आर्थिक, चौथी बात करते हैं तो बौद्धिक, और पांचवें धार्मिक। ये पांचों जो है मानवीय समाज के प्रमुख पहलू हैं और इनसे जो है पूरा समाज काफी अंतर संबंधित होता है। और इनमें अगर हम अध्ययन करते हैं, इन पहलुओं में परिवर्तन होता है तो पूरे समाज में परिवर्तन होता है। और इतिहास जो है पूरे समाज में परिवर्तन को, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को अध्ययन करता है। तो आपको पता ही है कि अर्थशास्त्र कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा नाम है कि भाई ये पूरे इतिहास को ही अर्थशास्त्र के जो है कसौटी पे कस के देखते हैं। तो इस पे आप अपना समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐतिहासिक शोध में लिपि शास्त्र अथवा डिप्लोमेटिक के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। देखिए ऐतिहासिक शोध क्या है, देखिए शोध को अगर हम समझें तो शोध दो प्रकार के होते हैं,
अगर हम उसके स्रोत के आधार पर बांटे तो। एक होता है अनुभाविक, जिसको हम इंपेरिकल कहते हैं, इंपेरिकल यानी कि इंपेरिकल है ना, इंपेरिकल जो उसको हम कहते हैं अनुभाविक, जो अनुभव करके कर सकते हैं। और दूसरा होता है ऐतिहासिक, जिसको हिस्टोरिकल शोध कहते हैं, है ना। अब हिस्टोरिकल में आप करते क्या है, क्योंकि अनुभाविक में हम अभी क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनर बना सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन इतिहास में हमारे पास क्या है, बस और बस सोर्स है हमारे पास। और सोर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं इतिहास में, तो दो ही सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज होता है। इन सोर्सेज को हम इवेलुएट करते हैं, एनालिसिस करके ही हम इतिहास लिखते हैं। तो आपसे पूछा है लिपि शास्त्र, तो भैया लिपि शास्त्र और डिप्लोमेटिक, जो दो राज्यों और दो शासकों के बीच में जो कागजात हैं, पत्र हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वो प्राइमरी सोर्स में होते हैं। तो इतिहास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो आप उसका एग्जाम्पल देते हुए लिख सकते हैं कि कैसे दो राज्यों के बीच में जो लिपि है, या जो जैसे अशोक की लिपि शास्त्र है, अशोक ने जो अपने स्तंभ लेख लिखवाए हैं, तो उसका कितना बड़ा रोल है, उसी स्तंभ लेख के आधार पर तो इतिहास उसकी लिखी जा रही है। तो आप इसको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सामान्यीकरण क्या है और इसका इतिहास पे इसका किस प्रकार उपयोग करें, तो सिंपल सी बात है, सामान्यीकरण एक सामान्य, एक सार्वभौमिक नियम या सिद्धांत बताने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। और इतिहास में इसका उपयोग हम विथ टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं, पूरी तरह से साइंटिफिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सामान्य तौर पे हम कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बस उदाहरण के साथ समझानी है, जो हमने पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए दूसरा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए यानी कि कॉन्सेप्ट की बात है इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। देखिए कई बार कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका पेट खाली है तो आप किसी भी विचारधारा के सपोर्टर और क्रिटिसिज्म नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब भी सोचेंगे तो पहले पेट के बारे में सोचेंगे, किसी भी विचारधारा से मिल जाए। जब पेट भरा रहेगा ना, तभी आप विचारधारा को सही या गलत यानी सपोर्टर और क्रिटिक्स बन सकते हैं। तो भाई इकोनॉमिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप हर कहानी में आप दिखा सकते हैं। फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस ही तो था मूल में, तो इकोनॉमिक घटनाएं। और कार्ल मार्क्स ने तो भैया पूरा कहानी लिख दिया कि जो पूरा है ना वो क्लास स्ट्रगल ही है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने में कोई दिक्कत होगी, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फैक्ट एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। भैया देखिए फैक्ट की बात करते हैं, आप फैक्ट की डिबेट होती है, तथ्य क्या होते हैं। तो फैक्ट जो है ऐसा घटना, ऐसी जानकारी जो सामान्यतः सबके द्वारा मानी जाती है सामान्य तौर पर। जैसे उदाहरण के तौर 1857 में घटना घटी है ना, विद्रोह हुआ, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको सब लोग मानते हैं, ये कॉमन है, एक्सेप्टेड है, ये फैक्ट है। फैक्ट और ट्रूथ में अंतर है, सच जो है अलग है, फैक्ट जो है यानी फैक्ट सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सच तो सच है ही, लेकिन फैक्ट जो है उससे नीचे की क्राइटेरिया है, जिसको सच के करीब माना जाता है लेकिन सच नहीं होता, सत्य नहीं होता। तो फैक्ट जो है, अगर 1857 की बात है तो ये फैक्ट है, तथ्य है। अब इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है कि हम इसे सिपाही विद्रोह कह रहे हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन पे उपयोग होता है। तो भैया इस पे देखिए कई सारे डिबेट हैं, जैसे राके कहते हैं सीजर एंड पेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि फैक्ट्स को उठा कर रख दीजिए तब हम वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख सकते हैं। जबकि वही कॉलिंगवुड कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतिहास को तथ्य से बोरिंग बनाने से कोई मतलब नहीं हो, कुछ नहीं स्पष्ट होगा, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये इसकार क्या कहते हैं कि फैक्ट्स, एक उन्होंने बड़ा फेमस कोट दिया है कि फैक्ट्स उस मछली की भांति है जो इतिहासकार समुद्र से या दुकान से या बाजार से लाता है और उसको अपने स्वाद और मनपसंद के अनुसार फ्राई करके, तो कोई उसमें झोर यानी कि उसमें थोड़ा सा है ना मिर्च मसाला डाल के, पानी डाल करके उसे कुछ और बना सकते हैं, वो अपने अनुसार बनाता है। तो ठीक है, तो फैक्ट्स जो है आप इसको उदाहरण दे सकते हैं कि फैक्ट्स में क्या क्या अलग अलग जो है उसकी यूटिलाइजेशन है। अब अगर बात करें साइंटिफिक हिस्ट्री, व्हाट इज साइंटिफिक थ्रू लाइट ऑन इट्स साइलेंट फीचर। देखिए साइंटिफिक हिस्ट्री का मतलब जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है, जो बायस्ड फ्री, प्रिजडिस फ्री हिस्ट्री है, स्टीरियोटाइप फ्री हिस्ट्री है, उसी को हम साइंटिफिक हिस्ट्री कहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। तो उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो भैया उसमें बायस नहीं होना चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रिजडिस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स होनी चाहिए किसके,
साइंटिफिक हिस्ट्री की। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्या है। तो आगे ये है आपका प्रश्न, देखिए, व्हाट इज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू ईएच कार डिस्कस। तो भैया ये इतिहास क्या है, बड़ा फेमस है, सिंपल सा है कि इतिहास जो है वर्तमान और भूत के बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, उसको समझा दीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रेडिक्शन इन हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है। तो भैया आप इसको देखिए, हम जानते हैं कि ये एक चैलेंज है ना, कालखंड में इतिहास को बांटना एक बहुत बड़ी चुनौती। हमारे पास स्पष्ट आधार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि हम इतिहास इतना बड़ा है कि हम उसे एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए कालखंड में बांट करके पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो आप उसको उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि इतिहास में व्यक्तियों के योगदान पर उदाहरण सहित लिखिए, तो देखिए व्यक्तियों का योगदान तो है ही, कि कोई भी घटना है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई भी व्यक्ति है तो सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से इतिहास में वो अपना रोल प्ले जरूर ही करता है, इतिहास में अपना घटनाओं में अपना रोल प्ले करता है। नेपोलियन बोनापार्ट का अपना रोल था, लुई सोलहवां का अपना रोल था। तो आपको ये इस पे उदाहरण देके आपको समझाना है, और मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा कुछ है। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, देखिए क्रोचे का एक फेमस स्टेटमेंट है, इसको आपको समझाना है, व्याख्या करना है संदर्भ सहित। तो भैया ये कहने का मतलब है कि देखिए इतिहास बहुत है ना, बहुत ज्यादा इतिहास है, बहुत ज्यादा समुद्र है, लेकिन समुद्र में से हम कौन कौन से तत्व उठा के लाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। मान लीजिए है ना, आजकल क्या है, YouTube वाले क्या करते हैं, देखते हैं तथ्य तो बहुत पड़े हैं, जिसे जो न्यूज में चली होती है, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आरआरआर के जो नायक हैं उनकी बहुत सारी जीवनियों की कथाएं थी, है ना, बहुत सारे तथ्य थे, पता थे, लेकिन वो YouTube पे नहीं आ रहे थे, ट्रेंडिंग में नहीं थे, लेकिन जैसे वो ऑस्कर अवार्ड जीती तो देखिए उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो अभी पूरे वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी यूट्यूबर है वो क्या करें, सोच रहे कि हमारा व्यूज बढ़े। तो सेम चीज जो भी इतिहासकार होगा उसको पुरानी यानी अतीत में से क्या ढूंढ के लाएगा, क्यों ढूंढ के लाएगा, वो डिपेंड करता है कि आज का वर्तमान क्या है। अगर कोई इतिहासकार सरकार से उस वर्तमान सरकार के पक्ष में है तो ऐसी चीजें ढूंढेगा पीछे से जो सरकार उसको अवार्ड देगी। अगर या तो डरता है तो वो ऐसी चीजें नहीं ढूंढ के लाएगा जिससे सरकार उसको पनिश करेगी। तो कहीं ना कहीं ऑल हिस्ट्री से कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात हो जाती है कि वर्तमान में वही चीजें, जैसे ना रिसर्च कोई क्यों करता है कि उसका आज वर्तमान में क्यों इंपॉर्टेंस होगा, तो वही लेके आएगा जो आज के लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो इतिहास उसी का लिखा जाएगा जो वर्तमान समय में यूटिलाइज होगा, तो इसलिए हम इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं, भैया देखिए आपका है कि हु वाज जेन मैबली, ने भी हमने बात की थी, यही वो व्यक्ति हैं जो एक फ्रेंच मॉक थे जो 1632 से 707 के आसपास है, वही अकबर वाला टाइम पीरियड जो है ना, सॉरी औरंगजेब वाला टाइम पीरियड है। तो उस समय देखिए यही मॉन्क थे जो पैलियोग्राफी की बात करते हैं, यही जनक हैं, सृजन हैं जो आगे आते हैं और दस्तावेजों के अध्ययन को इम्पोर्टेंट बनाते हैं इतिहास लेखन में। आगे बात करते हैं, दो भारतीय इतिहासकारों का नाम बताइए जिन्होंने अपने आप विश्लेषण मनोवैज्ञानिक इतिहास। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर बुद्धिज्म में बात करें और बहुत सारे, लेकिन अब ये डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ को छोड़ दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया गया है। वहां पे देखिए कि कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर को यानी जो मनोभाव का इस्तेमाल किया है, तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्चुअल आंसर है। सॉरी नीचे करना पड़ेगा, और क्या है आपका, हाँ एक कुछ और क्वेश्चन छूट गया है, चलिए हाँ देखिए कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज द पायनियर एंड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वो ये हो चुका है, कनिंगम है। आगे बात करते हैं, इसने सर्वप्रथम अपने लेखन में औद्योगिक क्रांति, देखिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंच राइटरों ने किया था पहले, लेकिन फ्रेंच राइटरों ने क्या किया था कि इसको लिखा था पहले, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने वाला अर्नोल्ड टॉयनबी था, यानी याद रखेंगे टॉयनबी यानी ने टर्म दिया था, यानी इस टर्म को पॉपुलराइज किसने दिया नहीं था बल्कि पॉपुलराइज किया था जो 1852 और 83 के आसपास था, इसने लिखा था। आगे बात करते हैं कि भाई आधुनिक विश्व के किन्हीं दो कला आलोचकों के नाम बताएं। देखिए पहली बात, आलोचकों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निंदा करता, आलोचकों का मतलब ये कि उसकी सही और गलत दोनों चीजों को समझ करके आगे उसमें सुधार की बात बताता हो, तो वो वाल्टर बेंजामिन है और एक लूसी लिपर्ड का है, इसने आर्ट ऑफ हिस्ट्री जो लिखी है उस पे इनका बड़ा अच्छा है, लूसी लिपर्ड है, ये चीज हो गया। ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्लेन नियतिवाद की अवधारणा को क्या है वर्णन करें। भाई नियतिवाद की हमने बात किया कि नियतिवादी मतलब क्या,
जो मानव का जो स्वभाव है या व्यवहार है उसके नियति कौन, किससे डिटरमिनेंट होती है, क्या व्यक्ति स्वयं कर लेता है या उसके परिस्थिति उसके परिवेश से प्रभावित होती है। तो उस पे हमने कहा था कि इसमें दोनों है, एक तो व्यक्ति के पक्ष को मानता है यानी उसकी अंत अपनी इच्छा शक्ति को मानता है, जबकि दूसरा नियति को मानता है। ठीक है, नियति में कौन आ जाएगा भैया, मार्क्सिज्म आ जाएगा, और जो व्यक्तिवाद को मानते हैं वो कार्लिल जैसे व्यक्ति किसको मानेंगे, तो वो मानव की इच्छा शक्ति को मानेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेचर एंड क्या है स्कोप ऑफ क्या है अर्बन हिस्ट्री है, शायद नेचर ऑफ अर्बन हिस्ट्री है। तो देखिए नगरीय शहरी इतिहास की, अभी इसमें हमने कहा था कि एक प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड जो है इनका नाम आता है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने अर्बन सिविलाइजेशन की यहाँ पे बात करी कि नगरीय इतिहास जो है एक बहुत बड़ी घटना है, और नगरों का ही अगर हम परिवर्तन कैसे नगर बड़े हो रहे हैं, कैसे एक नगर जो है आगे साम्राज्य का, आपने पढ़ा होगा क्लास एनसीईआरटी में, आपने पढ़ा था एनसीईआरटी के बुक में कि कैसे महाजनपद जनपद महाजनपद भी बन रहे हैं, महाजनपद एक साम्राज्य का स्तर रूप ले रहे हैं। तो ये सारे इतिहास को उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन में मुद्रा शास्त्र के उपयोग पे आप बता सकते हैं, भाई मुद्रा शास्त्र का क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या क्या बता सकता है, तो बहुत कुछ बताता है कि उस समय के सामाजिक बताता है, उस समय के अर्थशास्त्रिक बताता है, उस समय के राजनीतिक बताता है, उस समय के बौद्धिक ज्ञान को भी बताता है। बौद्धिक ज्ञान कैसे बताता है भैया, भैया अब कैसे बनाया गया है, किस कॉइन को किस शेप में बनाया गया, किस आकार में बनाया गया, कितना मिश्रण करके बनाया गया, ये सब क्या बता रहा है, उस समय के बौद्धिक ज्ञान को भी दर्शा रहा है। तो ये पांचों एस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि सामाजिक है, अब उसमें जैसे कोई चित्र बना है, नृत्य करते हुए स्त्री अगर है, है ना, या बिना बजाते हुए कोई है तो दिख रहा है ना, वहां सब बिना भी बजाया जाता था। तो ये सारी चीजें आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्वायत्तता की बात है, तो भाई इतिहास जो है उससे कई सारे धाराएं जरूर निकलती है, लेकिन अपने इसका एक स्वायत्त अस्तित्व है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, एक समय के साथ समाज में हो रहे परिवर्तन और मानवों के द्वारा जो क्रियाकलाप हो रही है, कार्य और कारणों का अंतर संबंध बताता है। तो इसलिए इसका अपना इंपॉर्टेंस बना हुआ है। इतिहास में अगर हम बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पार्शियलिटी की बात, बायस की बात, भैया देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह ये कि हम तथ्य को जैसा है वैसा न लिख करके, हम किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर के हम जो है हूबहू न लिख करके कुछ उसमें इंटरप्रिटेट करते हैं अपना जो है, है ना, और कॉगनिशन की बात, ये सब मूलभूत सिद्धांत हैं जो आपको सेकंड यूनिट है ना वो पूरा का पूरा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री तो था, है ना, जो दूसरा या तीसरा यूनिट जो है फिलॉसफी लिख करके है वो ही है, उसी के सिद्धांत के मूल है। तो उसको आप इसको देख लीजिएगा, तीसरा है शायद, तो उसको देख लीजिएगा। अब है इतिहास में संयोग और तो संयोग की जो बात है, प्रायिकता की बात है, तो अभी बात हुई कि देखिए संयोग से बहुत कुछ घटनाएं प्रभावित होती है, लेकिन सिर्फ संयोग से नहीं होती है, क्योंकि इतिहास जो है वहां पे बहुत कुछ कार्य और कारण को स्पष्टता अंतर संबंध को बताता है और आगे वर्तमान को संवारने में भविष्य को सुधारने में काम अपना योगदान देता है। तो इसको एक्सप्लेन करना उदाहरण के साथ आप दे सकते हैं। इतिहास दर्शन पर एक उदाहरण सहित एक लेख लिखिए। भाई दर्शन आपने देखा कि इतिहास के जो दर्शन है किसमें, इतिहास दर्शन में वस्तुनिष्ठता है, सामान्यकरण है, कार्य कारण सिद्धांत है, अब असंभाविता है, ये सारे इसी के पार्ट हैं, इसके अंग हैं, इसको आप समझते हुए समझाते हुए आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हाँ लेकिन इसके पहले आप लिख दीजिएगा कि भाई कौन, जैसे आपने वोल्टेयर की बात हो रही थी, हीगल की बात हो रही थी, चक्रीय सिद्धांत होता है ना, मार्क्सिज्म वाली बात हो रही, क्लास थ्योरी वाली बात हो रही, तो इसका अलग अलग अप्रोच भी है कि कौन अलग अलग अप्रोच है, जैसे नेशनलिज्म है इतिहास दर्शन का, है ना, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, है कि हिस्ट्री इज नथिंग बट ए बायोग्राफी ऑफ ग्रेट। देखिए आ गया ना थॉमस कार्लाइल का फेमस कोट है कि भाई कुछ नहीं ये व्यक्तिवाद, ये व्यक्तिवाद को मानता है, व्यक्तियों की जीवन गाथा है ये कार्लिल बता रहा है कि बेस्टोफेडन क्या है। भैया बेस्टोफेडन जो है वो क्या है, तो अल्टरनेट राइटिंग है, एक प्रकार की लेखन शैली है जो आप देखिए ऐसे लिखी जाती, पहले ऐसे ऐसे लिखी जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे ऐसे लिखी जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लिखी जाएगी। तो इस स्टाइल को ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट लाइन ऑफ रिवर्स राइटिंग को हम ये
क्या कहते हैं, बोस्टोफेडन कहते हैं, हु रोट द बुक आर्ट अक्रॉस टाइम। तो देखिए ये लॉरी एडम्स जो हैं इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आर्ट अक्रॉस टाइम। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने ये देख लिया। अब आप आ जाइए कि टू प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हु रोट अबाउट हिस्टोरिकल इनेबिलिटी। तो भैया हमने कहा था कि कार्ल मार्क्स हैं, है ना, और एक ईसाई बर्लिन है जो इस बात के लिए इस चीज़ को मानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि कौन था ऐसा जो जेल में है। तो एक मार्क ब्लॉक थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, इतिहास का शिल्प, है ना, क्राफ्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये देख लीजिएगा, क्राफ्ट्स ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरियन, ये जो है आपका हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, एग्रेरियन हिस्ट्री क्या, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। भाई देखिए कॉलोनियल की अगर बात करते हैं तो हमारे जो इतिहास से काफ़ी कुछ एग्रेरियन स्ट्रक्चर से, जितने क्रांति हो रहे थे भाई 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा भूमिका था एग्रेरियन रोल का। तो हमारे जो क्रांति हो रहे हैं किसानों द्वारा, जो किसान आंदोलन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो ये किसान का जो स्ट्रक्चर है ना, एग्रेरियन सिस्टम है। हम ये भी बात होती है कि एग्रेरियन क्राइसिस की बात हो रही है, तो आपने इसको पढ़ा होगा, बस आपको इसको लिखना है कि कृषि की संरचनात्मक व्यवस्था बहुत हद तक उस समय इम्प्लीमेंट थी, क्योंकि समाज का जो शासक था वो किस पे आधारित था, राजस्व पे। राजस्व कहाँ से आता था, कृषि से आता था, और कृषि ही क्या कर रही थी, और लड़ाई जो हो रही है राजस्व के लिए लड़ाई तो हो रही थी। शिवाजी क्यों चाह रहे थे, पूना पे क्यों आक्रमण कर रहे थे, क्यों राजस्व मिले, है ना, चौथ और देशमुख ये सब क्यों हो रहा था, तो सारी चीज़ राजस्व की बार ही हो रही थी, अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए। द्वाब पे हम क्यों बार बार देख रहे हैं कि उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, नदियों के क्षेत्र पे जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर क्यों ऐसा लड़ाई हो रहा है बार बार विजयनगर और बहरमनी साम्राज्य में, क्योंकि भैया हमको जितना ज़्यादा अगर कृषि क्षेत्र आएगा उतना राजस्व आएगा, जितना राजस्व आएगा उतना हमारे पास धन संग्रह होगा, धन संग्रह होगा उतना ही हम बड़ा सैनिक रख सकते हैं, सैनिक जितना बड़ा रखेंगे उतना बड़ा ही हमारा साम्राज्य फैलेगा। तो आप इसको समझा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि और क्या है, अब तो कोई ऐसा है नहीं पॉलिटिकल स्टडी के बारे में। तो भैया देखिए ये इतिहास एक सागर है, तो पॉलिटिकल एक मोती है यहाँ पे है, और आप प्लेटो के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो है पॉलिटिकल विचारधारा वो एक इतिहास के रूप में ही लिख रहे थे, और उसने ये लिखा भी है। तो आगे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात है। तो यहाँ पे देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि बता रहे कि यदि वस्तुनिष्ठता संभावित नहीं हो पाती, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, वस्तुनिष्ठता संस्थापित पूर्णता नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगी। हम पूरी तरह से नेचुरल साइंस नहीं होंगे, लेकिन सोशल साइंस तो बन पाएंगे, तो इसलिए वस्तुनिष्ठता लाने के प्रयास की जानी चाहिए और की भी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ऐतिहासिक अध्ययन पर परिणाम के अर्थ संबंध, अध्ययन में कार्य कारण के, देखिए जो परिणाम है कारण और परिणाम, वही कार्य कारण कॉजेशन की बात है, उस अंतर संबंध को। तो देखिए भाई हमने कहा ना कि हर एक कारण, अगर आज ये कारण है और फिर एक दूसरा परिणाम बना, यही परिणाम जो है अगले के लिए क्या बन जाएगा, कारण, ये कारण जो होगा उसके लिए ये कारण बन जाएगा। अब साधारण सा देखते हैं उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कि कैसे बनता है। अब जैसे देखिए अगर हम देखते हैं कि जो 1871 में हम वेस्टर्न की अगर बात करें, तो फ्रांस में जो युद्ध हुआ है जर्मनी, बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी और फ्रांस में, उस समय जो पावर का जो इम्बैलेंस हुआ है यूरोप में, उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो उस पावर ऑफ इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ, कारण बन गया किस चीज़ के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नहीं स्टैब्लिश हो पाया, यानी अभी भी क्या है कि वो इम्बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखना होगा और इतिहास को अच्छे से समझा कर अपना लिखना होगा। देखिए इसमें आपकी अपनी स्किल ही है कि आप कैसे लिख सकते हैं। तथ्य और स्रोत को क्या है, तथ्य और स्रोत आपको पता है, तथ्य क्या है, एक फैक्ट है, एक्सेप्टेड फैक्ट एक्सेप्टेड है, जबकि सोर्स क्या है, जो हमको तथ्य देता है, तथ्य को प्रदान करने वाले को स्रोत कहते हैं, और तथ्य क्या है, एक्सेप्टेड इवेंट्स है, एक्सेप्टेड नॉलेज है, एक्सेप्टेड, तो उसको जो है यूजुअली एक्सेप्टेड है, तो उसको एक्सेप्टेड नॉलेज को हम तथ्य कहते हैं, और स्रोत क्या है, तो उस तथ्य को देने वाले को स्रोत कहते हैं। और इसका कैसे उपयोग होता है, तो हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, आपको मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब है प्राचीन भारतीय में पुनर्निर्माण पुरातात्विक स्रोत की भूमिका की, भाई सिंपल सी बात है, आप देखते हैं कितना हमें उस समय बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं और है भी, तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो कहाँ से, पुरातत्व से तो मिल रहा है ना भैया, कि मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास लिखा जा रहा है, अशोक के इतिहास लिखा जा रहा है, स्तंभ से लिखा जा रहा है, शिलालेख के माध्यम से लिखा जा रहा है, तो दीजिए उदाहरण, है ना। आगे बात करते हैं कि क्या संभव है कि नए शोध विद्यार्थी तकनीकों के द्वारा अपने वैसी प्रतिमान से स्थापित इतिहास को पुनः स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं,
57 की क्रांति को या फिर ये बना रहे हैं कि फेमिन आ रहा है। अब से जो उपनिवेशिक कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि अकाल में हमने क्या किया, भारत में तो अकाल आता ही रहता था, हमने अकाल में फेमिन कोड बनाया और हमने उसके जो नुकसान है उसको कम किया। लेकिन यही बात अगर भारतीय अगर उसको देखेंगे, उस तथ्य को देखेंगे, तो वो कह सकते हैं कि भाई अकाल जो आया उसमें आपने कुछ सही चीज़ें की, लेकिन रेलवे लाइन जो आपने बनाया उससे कुछ आपने फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन उस रेलवे लाइन का आपने सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने फायदे के लिए किया, कोलिनियल टारगेट्स को पूरा करने के लिए किया आपने, रेलवे और जितनी खनिज और जितनी भी संसाधन था आप उसको ढोने के काम में आपने किया। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, आप इसको आप समझिए, ये आपकी अपनी समझ को व्यक्त करेगा, आप इसको लिख सकते हैं। क्या हम इतिहासकार को एक सापेक्षवादी इतिहासकार मान सकते हैं, अपने उत्तर को सही वाद विवाद को स्थापित करें। देखिए सापेक्षवादी मतलब कि भाई हम बात इसको कह सकते हैं कि मध्यम मार्गी करके इतिहासकार हैं, ये सबको लेकर के जोड़ के चलने की कोशिश करते हैं इनके संदर्भ में, इनको है ना। अगर बात जब फैक्ट्स इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो दोनों को जोड़ के बात करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट की बात होती है तो दोनों को जोड़ के बात करते हैं। तो ये इतिहासकार जो है आप इनके बारे में आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं काल निर्धारण के बारे में, आप क्या जानते हैं, इसमें बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इसमें दिख नहीं रहा है उपयता प्रयोग और पता नहीं क्या क्या लिखा रहा है, दिख नहीं रहा है। चलिए और आगे देखते हैं जो आपका दो नंबर का है कैंची और गोंद इतिहास के बारे में, तो वही कर्टन, वही जो राके ने कहा था और इसका विरोध किसने किया था, आरजी कॉलिंगवुड ने किया था। आगे बात करते हैं आर्ट हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है, तो देखिए जॉर्जियो बसारी, बसारी जो है फादर ऑफ आर्ट ऑफ हिस्ट्री के कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि ये इन्होंने एक बुक्स लिखी थी लाइफ्स ऑफ पेंटर्स लिखी थी और इन्होंने दिखाया कि कैसे जो है जो कलाकार हैं उनका क्या रोल हो रहा है, उनकी कैसे भूमिका इंपॉर्टेंस हो जाती है, उनकी कृतियों का क्या इंपॉर्टेंस रह जाता है। अब फिर देखिए इतिहास में काल दोष पर एक लेख लिखिए, ये आपके बारे में बहुत हो चुका है। मुद्रा शास्त्र क्या है इस पर, तो डी डी कौसाम्बी और बी एन मुखर्जी जो हैं भारतीय ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मुद्रा शास्त्र पर काम किया है। अगर बात करें 19वीं सदी में भारतीय लिपि शास्त्र का अध्ययन करने वाले, तो आपको पता है चार्ल्स बिल्किंस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एपिग्राफी भी कहा जाता है, और जेम्स प्रिंसेप का फेमस जिन्होंने क्या किया था अशोक के समलेखों को, यानी कि उस समय ब्राह्मी लिपि को पहले से पढ़ा था। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से इसमें देखिए 10 नंबर के इतिहास के लिए अनगिनत परिभाषाएं क्या है और क्यों है भाई ये क्यों है, तो हमने कहा ना कि इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है इसको, हालांकि एक देखिए कला मान लिया गया, एक देखिए सामाजिक विज्ञान माना और एक जो है विज्ञान माना। विज्ञान वाले में कौन कौन है, तो आपके जे बी बरी हैं, और सामाजिक विज्ञान और कला के बारे में तो रॉस जो हैं वो क्या हैं, कला के पक्षधर हैं, और कहानी कौन कौन मान रहा है, तो हेनरी पिरेन हैं और रेनियर हैं जो कहानी मान रहे हैं, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ा स्कोप है, सीखने एक अतीत है, और इस अतीत को जिस रूप में हम देखना चाहेंगे उस तरीके से इसको देखा जा सकता है, इसलिए इसके अलग अलग जो है मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक शैली का तो ये हो चुका है। आगे बढ़ाने में कैसे मदद करती है भाई, आपने पढ़ा है कि विचार और विचार का मस्तिष्क और मस्तिष्क जो है किन परिस्थितियों में उपज हो रही है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आगे बात करते हैं अर्बन हिस्ट्री की, तो गार्डन चाइल्ड वाली बात हो रही है, अर्बन हिस्ट्री का जो है कॉन्सेप्ट हो चुका है इससे पहले। वैज्ञानिक इतिहास शोध के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा को अवलोकना आलोचनात्मक, तो हमने कहा कि भाई जब साइंटिफिक होगा तो वस्तुनिष्ठता होगा, वस्तुनिष्ठता मतलब फ्री ऑफ एनी स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस बायस, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त होगा तभी वस्तुनिष्ठ होगा, और वस्तुनिष्ठ होगा तो उसी को हम वैज्ञानिक इतिहास कहेंगे, यानी उसमें इंटरप्रिटेशन बहुत कम होना चाहिए। क्या अभिलेख्य मुद्रा शास्त्रीय स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव है, भैया देखिए बिल्कुल संभव है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नए नए मुद्रा शास्त्र मान लीजिए कॉइन्स का कहीं खजाना मिल जाए, कहीं नए नए पुरातत्व मिल जाए, तो नए नए फिर से पुनर्लेखन हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, तो भाई फिर से ये डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हो चुकी है, आपका झूठ का टाइम हम नहीं लेना चाहेंगे। व्हाट इज एक्चुअली साइंसेस, तो ऐसे सहायक विज्ञान जो क्या करता है इतिहास को बेनिफिट पहुंचा रहा है, अगर ये आप पढ़े हुए हैं, अगर आप इसका स्किल आपके पास है तो इतिहास में इतिहास लेखन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी पे आपको एक उदाहरण देकर समझाना है। सिंपल सी बात है भैया, देखिए अगर आपको न्यूमिस्मेटिक आती है, आप मेटल्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उसके बारे में इतिहास में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मुद्रा जो है उस समय के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है ना पहलुओं को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं तो आज तक सभी भारत में इतिहास के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है चर्चा के, क्या अभी तक लिखा गया सभी इतिहास विचारधारा से प्रेरित है, सभी ये देखिए हर इतिहास धारा विचारधारा से प्रेरित है, और आप जब नया इतिहास भी लिखेंगे ना वो भी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होगी ही होगी, तो आपको इसको अपने
सोच के आंसर लिखना है, क्योंकि भाई आप कंप्लीट इतिहास कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि हिस्टोरियन हैं, और हैं हिस्टोरियन तो क्या होगा, आप भी प्रभावित होंगे ना। चाहे अगर कोई मार्क्स से प्रभावित होकर लिख रहा है, कोई सबल्टर्न से प्रभावित होकर लिख रहा है, कोई इंपेरियल से प्रभावित होकर लिख रहा है, कोई राष्ट्रवाद से हो रहा है, आप भी उन्हीं में से कोई एक होंगे ना। और आप कहेंगे हम उन सब से नहीं होंगे, तो भी आप एक नया विचारधारा होगा आपका, तो आप पुनर्निर्माण करेंगे तो भी वो विचारधारा किसी न किसी से प्रभावित होगी ही होगी, इसलिए आप उसका सही समझ के उत्तर दीजिए। दूसरा, ये चार द्वारा वर्णित इतिहास नैतिकता और विज्ञान के विचारों पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक यहाँ पे डिबेट होता है कि क्या इतिहास को, जब वस्तुनिष्ठता की बात होती है तो कहा जाता है कि इंटरप्रिटेशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, जिसे राके कहते हैं। तो भैया इतिहास क्या एकदम बिल्कुल वैल्यू फ्री होना चाहिए क्या? तो कहा जाता है कि भाई इतिहास का फिर रोल ही क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि सही गलत को भी बताने का इतिहास और न्यायाधीश ही जो है न्याय देता है। तो सही गलत का भी निर्धारण ऐसे कैसे होगा? तो नैतिकता को माना जाता है और विज्ञान के विचारों पर, और विज्ञान क्या है कि नैतिकता से क्या होता है, तटस्थ होता है, सही होगा कि गलत डजंट मैटर, जो फैक्ट्स कहेगा, जो रिजल्ट आएगा वही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे तालमेल लेके संतुलन बिठा के इतिहास को चलना पड़ता है, इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपको एक्सप्रेस करना है। ये चकार यहाँ पे कहते हैं कि भैया आपको मछली लानी तो है, तथ्य तो है, लेकिन आपको अपने स्वाद के और अपने जरूरत के अनुसार उसको परोसना होगा। तो मुझे लगता है अब ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि मेरा प्रयास आप लोगों के सिलेबस को समझने में क्या होगा, थोड़ा सा मदद किया होगा, और अगर ये मदद किया होगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी रिवार्ड होगा। और मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो भी मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने जो समझ थी मैंने आपके सामने क्या किया रखने की कोशिश की। दरअसल ये जो सिलेबस है और जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं उनके जो नॉलेज है वो हाई लेवल का है, और स्टूडेंट अभी मास्टर्स में है वो यहाँ पे हैं, तो मैं उनके बीच में सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्यों ना आपके नॉलेज और प्रोफेसर के या जो किताब के नॉलेज है उनके बीच में एक कड़ी का काम कर दूँ, ताकि आप आगे फिर इसको समझो तो अच्छे से समझ सको। तब पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।